Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 10, first one. So, question number 10 mein aapke paas hai, write the following rational numbers in ascending orders. Now, ascending order ka matlab kya hota hai? Sabse pehle, chota and then usse bada bada karke hum largest number last mein, theek hai? So, ab yahan bhi aapko ye rational numbers de rakhe hai, aapko inko is tarah se arrange karna hai, कि पहले हम सबसे छोटा वाला नंबर लिखेंगे फिर उससे बड़ा एंड सो ऑन. सो ओवर हियर आप देख सकते हो यहाँ पे जो अपॉन 5 है तीनों में डिनोमिनेटर सेम है. अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम उसका पहले डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं ताकि पता चले कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है. सो यहाँ पे इसके तीनों के सेम है. सो हमें सिर्फ ऊपर वाला नंबर जज करना है कि सबसे छोटा कौन सा है उससे बड़ा कौन सा है उससे बड़ा कौन सा है. As you can see the numbers are 3, 2, 1. ठीक है तो सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3. लेकिन ये numbers negative है. Negative numbers में same चीज हुई. जो number जितना छोटा होता है उतना बड़ा होता है. So this means कि यहाँ पे जो smallest number होगा वो होगा minus 3. That means minus 3 upon 5 सबसे छोटा है. And then minus 2 upon 5 उससे बड़ा है. And minus 1 upon 5 is the greatest number among this. Fine. So this was the first part. Now let's come to the next part. Now coming to the second part. Second part mein hamare paas numbers hai 1 upon 3, minus 2 upon 9 and minus 4 upon 3. Now, do ka denominator same hai. Lekin ek different hai. Hame in tino ka denominator same chahiye. So for that, hum iska LCM lenge. So the numbers are 3, 9 and 3 से करेंगे 1 3 1. अगेन 3 से करेंगे 1 1 and 1. सो 3 3 is 9. मींस कि मुझे इनका डिनोमिनेटर 9 करना है. सो सबसे पहले 1 upon 3. सो into 3 into 3. दिस विल बी 3 1s are 3 एंड 3 3 is 9. सो ये हो जाएगा 3 upon 9. नेक्स्ट है -2 upon 9. ये ऑलरेडी 9 है मतलब हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो इस पे आ जाते हैं दिस इज -4 upon 3. नाउ अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दिस विल बी 3 3 is 9 एंड ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गेट 4 3 is 12 upon 3 3 is 9 एंड ऑल्सो माइनस का साइन. सो नाउ नंबर्स वी हैव इज 3 upon 9, minus 2 upon 9 and minus 12 upon 9. So, अब हमें इन numbers को ascending order में arrange करना है. So, you can see इसमें से सबसे छोटा number कौन सा होगा? ये तो positive number है. चाहे अब यहाँ पे देखो ये positive number है. इसको ये तो obviously सबसे last में आएगा because positive number बड़ा होगा. Then, एक है minus 12, एक है minus 2. So, minus 12 छोटा होगा. -12 upon 9 सबसे छोटा हो गया. देन इससे बड़ा है -2 upon 9 एंड देन सबसे बड़ा आ रहा है 3 upon 9. अब ये तो हो गए 9 के डिनोमिनेटर. अब इनके जो ओरिजिनल नंबर्स है जैसे कि -12 upon 9 इज -4 upon 3. देन नेक्स्ट -2 upon 9 एज इट इज. And then last one is 3 by 9 कौन सा है 1 by 3. So इनको ascending order में ऐसे arrange करेंगे -4 upon 3, -2 upon 9 and 1 upon 3. Now let's come to the last part. Now coming to the last part. Last part में आपके पास है -3 upon 7, -3 upon 2 and -3 upon 4. Now यहाँ पे numerator same है लेकिन आपको denominator तब भी same बनाने पड़ेंगे. सो 7 2 4. एलसीएम लेते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं 7 एज इट इज. दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 2. फिर से 2 से करेंगे 7 एज इट इज 1 1 एंड देन 7 से. सो ये हो गया 1 1 1. 7 2 14. 14 into 2 is 28. सो ये आ जाएगा एलसीएम इज 28. मीन्स कि यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर्स है इनको 28 बनाना है. नाउ
सबसे पहला है -3/7, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आए, 7 × 4, सो ये भी 4 से होगा, राइट, 7 × 4 = 28 एंड 4 × 3 = 12, सो यू गेट -12/28. नेक्स्ट है हमारे पास -3/2, अगेन अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आए, 14 से, बिकॉज 14 × 2 = 28. नाउ दिस विल बी 14 × 2 = 28 एंड देन 14 × 3 = 42 एंड अगेन माइनस का साइन. देन वी हैव -3/4, सो नाउ अगेन आपको लिखेंगे -3/4. अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी, 28 आए, 4 × 7 = 28, सो 4 × 7 = 28 एंड देन 3 × 7 = 21 माइनस का. अगेन अब हमारे पास तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं लेकिन नंबर्स माइनस में है, सो -12 - 42 - 21 सबसे छोटा कौन सा होगा, दैट विल बी -42 बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट, सो नेगेटिव है तो जितना बड़ा नंबर उतना ही छोटा, -42 एंड देन -21 एंड देन वी हैव -12. ठीक है, सो ये ऑर्डर हो गया. अब इसके जो एक्चुअल नंबर्स है वो लिख देते हैं. -42/28 कहां से आया था, -3/2 से, राइट. नेक्स्ट हमारे पास है -21/28, -3/4 से, सो -3/4 एंड देन लास्ट वन इज -12/28, सो -12/28 इज -3/7. ठीक है, सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर, फाइन. सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. And if you have any doubt, any query, please leave it in the comments below and also subscribe our channel. Bye-bye.